Assalamualaikum भाई लोग, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। तो लास्ट व्लॉग में तुम लोग को याद होगा, मैंने तुम लोग को कहा था यार जो हमारी गाड़ी की पिछली ब्रेक पैड्स हैं वो सही होने वाली हैं। तो जो ब्रेक पैड्स थे वो कल हम लोग को मिल गए थे। तो यार जल्दी से करते हैं वर्कशॉप, जाते हैं छोटे मोटे काम करा लेते हैं गाड़ी के और फिर भाई गाड़ी हो जाएगी हमारी डन। तो आओ भाई निकलते हैं। तो भाई ठंड बहुत है, जैकेट पकड़ लेते हैं, जैकेट के बगैर गुजारा नहीं है। आ जाओ। ओह भाई आज तो बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है भाई। ये तुम लोग वेदर देख सकते हो भाई, हवा नहीं चल रही, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे ना भाई फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो यार ये आ गई हैं हमारी ब्रेक्स, इनको चेक करते हैं। नाइस भाई, शुक्र है। हम लोगों ने गैस भी डलवानी है भाई, साथ ही सामने गैस स्टेशन है, गैस भी डलवा लेंगे। और दूसरी चीज हम लोगों ने भाई ये वॉशर फ्लूड भी लेना है, तो ये हम लोग को शॉप राइड वगैरह से मिल जाएगा। देख सकते हो रोड पे हल्की हल्की स्नो गिरी हुई है, तो कल यहाँ पे फिर से स्नो हुई थी लेकिन तकरीबन 30-40% हुई थी और वो भी घंटा डेढ़ घंटा हुई थी और फिर बाद में खत्म हो गई थी। लेकिन यार वो वैसी स्नो नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, तकरीबन हो ना 2-2 फुट वैसी स्नो, यहाँ तो पूरे दिन स्नो हो तो मजा ही आ जाए है। फिर बंदा न्यूयॉर्क भी जाए शुगर मेला लगाए। यार सामने है वर्कशॉप और ये गैस स्टेशन। मैं तो कहता हूँ पहले यार गैस डलवा लेते हैं। यार मैंने कहा भाई तो हैं ये ले ही लेते हैं। Here you go. ये लो जी दो काम तो हो गया हमारे, सामने चलते हैं अंकल के पास। आ जाओ। ये लो जी अंकल आ चुके हैं, पिछले ब्रेक पैड और इसके अलावा आई डोंट थिंक अब इस गाड़ी का कोई काम है। बस अब हम लोगों ने इसको धुलवाना है अंदर से और साफ कराना है और ये गाड़ी A1 है बाबा जी, A1। अच्छा तो यार अभी पता क्या हुआ है, अंकल ना अंदर वो गाड़ी लगा रहे थे, मैंने कहा अंकल आप संडे को ऑफ नहीं लेते, कहते क्या हो गया बेटा आज तो मंडे है यार, मैं तो उधर शर्मिंदा हो गया है। गाड़ी को धुलवाए हुए पता नहीं कितनी देर हो गई है और तुम लोग अंदर से शीटें देखो यार अभी तक साफ सुथरी हैं, हल्की सी थोड़ी बहुत गंदी हैं। होपफुली ना फ्राइडे सैटरडे को धूप होगी तो उस दिन इसको धुलवा लेंगे, अंदर से भी साफ सूफ कर लेंगे। तो यार ये तुम लोग ब्रेकें देख सकते हो फुल डेड हो गई थी, अच्छे टाइम पे चेंज करा ली है। तो यार फ्लूइड भी हम लोग ने डाल दिया, ऑल गुड। और अंकल कहते हैं मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। वेलकम बैक। तो भाई गाड़ी हो गई हमारी ऑल सेट, परफेक्ट पार्किंग। तो यार हम लोग आए हैं भाई शॉप राइट ग्रोसरी करने। तो यार यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एप्पल जूस, लास्ट टाइम मैंने कहाँ से उठाया था एप्पल जूस। ये लो भी हम लोग को लेना है चिकन और मेरे ख्याल से ये हलाल नहीं है, है ना। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कोई साइन नहीं है हलाल का, हालांकि मैं लास्ट वीक आया था यहाँ पे हलाल चिकन पड़ा हुआ था। ये वाला भी हलाल नहीं है, आगे देखते हैं आगे पड़ा हो शायद। तो यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे भी नहीं पड़ा हुआ, तो यार यहाँ पे हलाल चिकन नहीं पड़ा हुआ, हालांकि मैं लास्ट वीक आया था, मैं आपसे ख़त्म हो गया होगा, पापा को कह देंगे कि पापा लेते हैं। अच्छा और तो कुछ सामान है नहीं, बाकी हम लोगों ने पराठे वगैरह लेने हैं, वो हम लोगों ने लेने हैं दूसरी शॉप से, शॉप राइट के सामने ही है। बस आ जाओ फिर निकलते हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं करने को। और ये आगे पापा के और ये आगे मेरे, लस्सी ले लेते हैं। लस्सी ने वैसे आज मेरा पेट खराब कर दिया। मैंगो लस्सी भी लेते हैं, मैंगो लस्सी पता नहीं कैसी होगी, यही ले लेते हैं एक और। और हमने लेनी है पत्ती, पत्ती एक ये भी है और एक ये भी है, कौन सी लें। इसका एक पैकेट रह गया है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा अच्छी है, लोग ज्यादा ये लेके जाते हैं तो हम लोग भी फिर यही लेते हैं ना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। ये देखो मुझे क्या मिला, इंस्टेंट चाय टी लाटे जस्ट ऐड हॉट वाटर। इंडिया में तो बड़ी फेमस है ना ये अदरक वाली चाय, ले लें टेस्ट करते हैं कितने की है, $5 की है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो यार ये सारा सामान आ गया, बैग छोटा पड़ गया, लेकिन भाई साहब द पराठे हुई 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 यार एक्सपेंसिव वेयर, $50 बन गया मेरे। और तुम लोग देखो मैंने सामान क्या लिया है, दो पराठों के पैकेट, दो लस्सियाँ और एक गरीब इंसान ने पत्ती लिया है। मिस करता हूँ पाकिस्तान को है और $50 बन गए कैसे इस मुल्क में रहे। तो यार अभी हम लोग आए हैं अमीन हलाल पे, ठंड बड़ी थी मैंने कहा यार सूप ले लेते हैं।
यार अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया विंग्स का और हम लोगों ने लार्ज सूप भी दे दिया है क्योंकि भाई इतनी ठंड है, जिस्म ठंड से बड़ा हुआ है, जिस्म को गर्म भी तो करना है ना। 10-15 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, फिर लेके घर निकलते हैं। ये देखो जी, इन्होंने लिखा है यहाँ पे अमीन हलाल विंग स्पेशल। ओके, 4 विंगे हैं जी $60 की और 10 विंगे हैं जी $15 की। समझ नहीं आई मुझे, 4 हो गई 7 की, 10 हो गई 15 की, 4, 7, 7, 14 यानी 8 हो गई विंगे, मतलब ऊपर 2 दे रहे हैं डॉलर की। नॉट बैड, नॉट बैड। आई 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 आई, मुंह में पानी आ रहा है। पूछी पूछी पूछी, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो ये तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे भाई ने विंगो के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, हड्डियां सारी बाहर निकाल दी हैं। अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे हॉट सॉस। हाय 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 भाई साहब, क्रंची क्रंची, मुंह में पानी आ रहा होगा तुम लोग हैं। मजेदार। वही सूप, सूप तो यार मैं बाहर ही भूल गया, तो इसको मैं जरा फिनिश करूं, सूप का भी फिनिश करूं, मिलते हैं तुम लोगों से। तो यार मैं तुम लोग को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, जिसका नाम है बायनमो। इसको हम किसी भी वक्त और कहीं पे भी यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। आओ मैं दिखाता हूं तुम लोग को कैसे। तो सबसे पहले डेमो अकाउंट से हम रियल अकाउंट में आ जाएंगे और यहां पे मैं अमाउंट सिलेक्ट करता हूं ₹10,000 और इसको कर देते हैं हम लोग अप। तो ये यहाँ पे तुम लोगों ने देखा मैं जीत गया हूँ ₹18,300। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी जगह इजी विड्रॉल मेथड जैसे बैंक ट्रांसफर एंड इजी पैसा विदाउट कमीशन अपनी अर्निंग्स विड्रॉ कर सकते हैं। डेली अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बायनमो रेगुलर टूर्नामेंट्स और एक्साइटिंग इवेंट्स भी लेकर आता है, जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत सकते हैं। तो यार अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बायनमो ज्वाइन करें और बायनमो का हिस्सा बने, और साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर 50% का बोनस। क्या बना रहे हैं भाई? मैं बना रहा हूँ बोनलेस चिकन। अच्छा, हांडी। तो यार मैं कह रहा था मुझे भी सिखाएं ताकि कल को आप ना हो, मैं पीछे से बना लिया करूं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं बाद में शुरू करता हूं। ये देखो तुम्हें चीजें चाहिए, प्याज। अच्छा, इसकी कटिंग करनी है। सही। टमाटर। ओके। लेमन, हरी मिर्च। सही। लहसुन, अदरक की गंडी। और साथ में तुमको ये साबुत मसाले चाहिए। ये जैसे जीरा, अजवाइन, ये साबुत तो क्या, दालचीनी, लौंग, सब्ज इलायची, बड़ी इलायची, साथ में पीसे हुए मसाले तुम्हारे लिए मैंने ये देखो रखे हैं। ये सारे मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, ये गरम मसाला है, ये लाल मिर्च है, ये सूखा धनिया है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये पिसा हुआ जीरा है, ये हल्दी है, और ये दादल मिर्च है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं यार। हाँ, और ये आ गया बोनलेस चिकन। अच्छा, ठीक है, सही। ये सैलड के लिए मैंने लाल मूली। अच्छा, और साथ में खीरा रखा हुआ है। अब तुम देख लो, ऐसे तुमने प्याज आधा काटना है और ये देखो नीचे दिखाओ ना ऐसे, बस ये देखो तुम काट लोगे। काट लेंगे। मुश्किल है, बहरहाल उंगली ना काट जाए मेरी है। हाँ, इसलिए तुमको मैं कह रहा हूँ कि तुम ना कोई देख लो, कर लो शादी शुद्धी। नहीं। अच्छा, मेरी उंगली ना कटे, जो लड़की है उसकी उंगली काट जाए। नहीं, वो उनको तो प्रैक्टिस होती है ना। तुम बनाओ ना किसी दिन ये सारा कुछ खुद। बताओ यार कमेंट सेक्शन में क्या बनाए, बिरयानी बनाए किसी दिन है? पहले यार तो बना ला बेटा, जरा हल्का काम है, बिरयानी बाद च बना ली। ये जरा मैं प्याज छोटा छोटा काटता हूँ। ये टमाटर की बारी आ गई है, देखो प्याज मैंने काट लिया। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, कद्दूकस कर लिया, ये टमाटर हरी मिर्च काट लिया, नींबू काट लिया। मेरा स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट हांडी बनाने का। ठीक है, तो अभी ये देखो तुम, मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालना है ये चिकन। ठीक है, और फिर मैंने इसमें डाल देना है ये सारा सामान। ऐसे ही ये ऐसी हांडी बनेगी कि जब तुम खाओगे ना, तुम रोज खाते हो यार, ये देखो
ये भी सारा कुछ बीच में, ठीक है, और ये स्पाइसेस भी बीच में, ये चला गया, ये सारा सामान चला गया, ठीक है, और ये भी सारा सामान बीच में, सही हो गया। अब इसमें डालेंगे ये देखो थोड़ा सा नींबू, ठीक हो गया, ये लो, ठीक है, बस। अब इसको मैंने पकने के लिए रख देना है, अब तो मैं तब बुलाऊंगा जब इसको मैंने भूनना। 2000 years later. बनी नहीं आ रहे यार, ऑलमोस्ट गल गई है। अब मैं देखो ये करके इसमें थोड़ा सा तेल डालता हूँ और फिर इसको भूनते हैं, 5-7 मिनट भूनेंगे ये देखो, क्योंकि जरा ये 1 चम्मच हो गया, तो ये 2 चम्मच हो गए, ये बस 3 चमचे तेल के डालने। अब इसको मैंने भूनना है 10-10 मिनट भून के, ऊपर फिर तुम्हें मैं गार्निश करके प्लेट बना के अब तुम्हें बताऊंगा, तो फिर तुम देना, ठीक है, समझ गया। तो यार खाना रेडी हो चुका है, ये तुम लोग देख सकते हो यार कितने मजे का लग रहा है, और ये आ गए हमारे पराठे, और ये आ गया हमारा साइड पे सैलेड। सैलेड मैं इतना खाता हूँ नहीं, बस थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो आओ यार इसको टेस्ट करें भाई, वैसे तो भाई पापा कुकिंग लेवल की करते हैं, और कमेंट में बताओ यार, मैं भी वही बनाता हूँ किसी दिन, लेकिन मुझे डर है कि यार किसी दिन सारी ना जाए है। हुई 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 भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल यम्मी। पाकिस्तान की आपको फिर कहाँ याद आनी है जब आपको यहाँ पे पाकिस्तानी खाने मिल जाने हैं। अबे साले। तो यार खाना शाना खा के फ्री हो चुके हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाओ, ताकि भाई जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए करे। तो यार इतनी वीडियो करते हैं, मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।